हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेहा स्वीट किचन में। हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी मूली के पराठे। अब मूली मूली पराठे बनाते वक्त आपकी मूली जो है पानी छोड़ देती है, तो वो पानी भी नहीं छोड़ेगी और ना ही आपके पराठे जो है फटेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक बार मूली के पराठे इस तरीके से बना दिए तो आप दूसरे तरीके भूल जाएंगे। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और वीडियो को पूरा देखिए वरना समझ में नहीं आएगी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर दो मूली लिए हैं, इनको मैं कद्दूकस कर लूंगी। ये देखिए मैंने पहले से कुछ मूलियों को कद्दूकस करके रखा है। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की बड़ी मूली का यूज किया है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोटे ग्रेटर का यूज किया है। इस तरीके से हम सारी मूली को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने सारी मूली को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और मैंने यहाँ पर लिया एक मीडियम साइज का प्याज, वो भी लंबा लंबा चॉप करके। ये मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है। मैं इसमें डाल दूँ थोड़ा सा सरसों का ऑयल, आप चाहे तो देसी घी में या फिर रिफाइंड जो भी आपका मन करे आप उसमें दे। मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दिया है, हम इसको गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए अच्छे से लहसुन और अदरक भुन चुकी है, हम डाल देते अपने प्याज। प्याज अच्छे से हल्के हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो इसको हम डाल देते अपनी मूली। कोई भी पानी का यूज नहीं करना है। कुछ मसाले मैं डाल, यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, और मैं यहाँ पर डालूँ थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए डालें। इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। पराठे यहाँ भी होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी हींग डाले हैं, वो भी अच्छे से इसके तरह इसके साथ में पक जाए। देख सकते हैं इस तरह से दबा कर देखिएगा, बहुत सारा पानी है इसमें। पानी को धीरे धीरे सूखने दीजिएगा, ड्राई सी हो जाए आपकी मूली तब जाकर उसी फ्लेम बंद कर दीजिएगा। ये देखिएगा हमारे जो है मूलियाँ पक कर तैयार है, सारा पानी भी सूख गया है इनका, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो रही है। हम इस स्टेज पर कर देते हैं गैस बंद। मुझे बिल्कुल 5 मिनट हुई है, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया था, मैं एक्चुअली कोई और काम करने लग गई थी इसलिए 2 मिनट लगेगी। मैंने यहाँ पर देखिए 5 मिनट के लिए इसको पकाया, ये अच्छे से देख सकते हैं बिल्कुल ये ड्राई ड्राई हो गई है। स्टेज पर हम कर देंगे गैस को बंद, गैस को कर दिया बंद। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप पराठे बिल्कुल ठंडा होने के बाद बनाइएगा, गर्म गर्म में पराठे नहीं बनाइएगा, उसमें भी अच्छे नहीं बनेंगे। तब इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा। चलिए हम ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे, किसी चीज़ से इसको ढककर ठंडा नहीं करिएगा वरना दोबारा से इसमें पानी हो जाएगा आपकी वजह से। तो आप इस तरीके से इसको छोड़ दीजिए, ये ठंडा हो जाएगा। चलिए गए पराठे बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठंडा हो चुका हमारा, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका, आप समझिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। मैंने डो बना लिया था, जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए डो लगाते हैं उसी तरीके से आपको डो लगाना है। आटे में
आटे में लपेट के, इस तरीके से आटे में लपेट के बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप इसको भून लीजिएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से, थोड़ा सा भी ज़्यादा पेस्ट नहीं मिलना है वरना ये फट चल सकते। इतने अच्छे से हमारा पराठा बनकर तैयार है। चलिए तवा हमने पहले से गर्म कर, हमने पहले से आयरन के तवे को गर्म कर लिया है, ये देखिए। चलिए हम पराठे को, हमने इसके ऊपर डाल दिया है। इस तरीके से एक और बनाकर तैयार करेंगे हम। जाएगी हल्का सा इस तरीके से हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमने इसको बेलकर बेल चुका है। चलिए इस पर लगा देते हैं हम ऑयल। देखिए कि मैं से कर तैयार है। चलिए हम उतार लेंगे, हम तैयार करेंगे। चलिए गाइस हम सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया दही, रायते वाली बूंदी, काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा, मैं इसमें डाल रही हूँ भुनीरा। मैंने जीरे को भून कर लिया है और हम डाल देते हैं हमने ब्रांडों पर घर का बना हुआ ये मक्खन। देखिए एंजॉय करिए अपनी रेसिपीज को। आप एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं, देखिए हम आपको, आप देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग हुई है इसमें, और बिल्कुल भी बेलने में फटता नहीं है ना ही कोई दिक्कत आती है मिलने में। एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा और बहुत ही अमे टेस्टी टेस्ट तो आप पूछिए मत, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप अचार के साथ, रायते के साथ एंजॉय करिए पराठे को। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।